नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रैंडेज में। अभी हम मौजूद हैं हॉल नंबर 5 में, जहां अलग अलग कॉलेजेस के द्वारा जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पे काम किए जा रहे हैं उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। ITS इंजीनियरिंग कॉलेज का जो इनक्यूबेशन सेल है उसके द्वारा दो मशीन्स को दिखाया गया है, जिसमें एक काफ़ी अनोखा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, जिसमें इस मशीन के माध्यम से चावल का एज बताया जा सकता है। खास करके FCI से इन्हें ऑर्डर भी मिल रहे हैं इस मशीन के, जिसमें आप अगर भंडारण करते हैं गोडाउन में, अगर चावल भंडारण करते हैं तो उसका एज पता कर सकते हैं कि कितनी पुरानी है, साथ ही उसकी नस्ल क्या है इसके बारे में पता कर सकते हैं आप। तो जानते हैं इस मशीन को बनाने में ये छात्र शामिल हैं, इनसे जानते हैं कि ये मशीन में क्या तकनीक का इस्तेमाल किया है आपने। सर, ये इसमें तकनीक है मिक्स इंडिकेटर मेथड होता है। केमिकली हम लोग पता करते हैं, कलर चेंजिंग पे हम लोग पता करते हैं कि क्या कितनी एज है इसके। कौन सा केमिकल आपने यूज़ किया है? जैसे ये देखिए, आप केमिकल बता रहे थे, कौन सा केमिकल है? सर, ये कंप्लीट सॉल्यूशन बना हुआ है। जो क्या है इसमें, क्या यूज़ किया गया ये इसमें? सर, मिक्स इंडिकेटर मेथड में हम लोग यूज करते हैं ब्रोमोथायमिल ब्लू, मिथाइल रेड और डिस्टिल वाटर, इन सब चीज़ों को यूज करके एक कम्प्लीट सॉल्यूशन बनाते हैं। अच्छा, इस मशीन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? सर, हम लोग चावल की एज पता कर सकते हैं, कि क्वालिटी पता कर सकते हैं इसकी, क्या क्वालिटी है, क्या वो चावल टूटी हुई है, क्या है। हम लोग AI भी इसमें यूज कर रहे हैं कि इसमें पता कर सके कि चावल टूटी है या फिर सही है, उस चीज़ को इसमें सारा रिपोर्ट आ जाएगा। सर, अच्छा, एज और मतलब उसकी क्वालिटी भी आप जांच कर सकते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। एक दूसरा प्रोजेक्ट है इनका, जिसमें इन्होंने दावा किया है कि जैसे आप नोएडा में जाएं तो आपको एडवेंट की जो टावर है, बड़ी टावर है, तो ग्लास क्लीनिंग भी एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, तो इस मशीन का यूज़ करके आप क्लीनिंग आसानी से कर सकते हैं। क्या है मशीन, जरा शुभम इस मशीन के बारे में? सर, दिस इज़ अ मॉप ऑटो फॉर क्लीनिंग ऑफ ग्लास बिल्डिंग्स। जो बड़ी बड़ी ग्लास के बिल्डिंग्स होती हैं उसको क्लीन करने के लिए अभी भी मैनुअल प्रोसेस ही यूज़ किया जाता है। बिल्डिंग के टॉप से हम आदमी को हैंग कर देते हैं और वो पूरी बिल्डिंग को वाइपर वगैरह से क्लीन करता है। दिस इज़ द फुल ऑटोमेटिक रोबोट एंड यू कैन ईजिली कंट्रोल इट्स बाई रिमोट, एंड हम इसको बिल्डिंग के टॉप से हैंग कर देते हैं और ये वर्टिकली पूरी बिल्डिंग को क्लीन करता हुआ चला जाता है। और इसके जो ये दो ब्लेड्स हैं, इसको सक्शन प्रोवाइड कराते हैं, इस बिल्डिंग की तरफ पुश किए रहते हैं, जिससे ये पूरी बिल्डिंग को आसानी से क्लीन कर लेता है। कितना आपको समय लगा इस प्रोजेक्ट को बनाने में और किस स्टेज पे है अभी ये प्रोजेक्ट आपका? सर, करेंटली ये प्रोजेक्ट अभी POC स्टेज पे है, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है ये। इसको बनाने में मुझे अभी दो से ढाई महीने का टाइम लगा है। विद इन 6 मंथ हम इसका फुल फ्लेज मार्केट प्रोडक्ट रेडी करेंगे मार्केट में। मार्केट रेडी प्रोडक्ट आपका 6 महीने में होगा। अच्छा, आप ये दिखाना चाह रहे थे कि जो आप लोगों ने प्रोडक्ट लगाया उसके बारे में ब्रीफिंग भी यहाँ पे कर रखे हैं, क्या है? अच्छा, अच्छा, और क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, ट्रेड फेयर का कैसा रिस्पॉन्स है? सो आई विल से कि ट्रेड फेयर का रिस्पॉन्स अच्छा खासा हमें मिल जा रहा है। लोग जो आ रहे हैं उनका जो फीडबैक हमें प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मिल रहा है वो काफ़ी वैल्यूएबल है, क्योंकि वो फीडबैक हमारी डेवलपमेंट में फर्दर R&D में बहुत काम आने वाला है। लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सजेस्ट करी हैं, कुछ लोग हमें मिले जो डायरेक्टली इस इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, उनके फीडबैक्स मिल रहे हैं हमें। सो जो कनेक्ट्स हमें बनाने थे, कुछ लोगों से मिलना था, वो उस काम में ये ट्रेड फेयर काफ़ी हमारी हेल्प कर रहा है। अच्छा, नेटवर्किंग के लिए आपका बहुत हेल्पफुल है नज़र आ रहा है। तो आप हॉल नंबर 5 में अभी, जहाँ आपने देखा कि अलग अलग जो कॉलेजेस हैं उनके क्या किस तरीके के इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं उसकी एक प्रदर्शनी लगाई गई है। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ट्रेड फेयर की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए। धन्यवाद।